name is Harman Singh. I am a third year computer science undergrad at IIIT Delhi, and you are watching A Day in My Life. Best part of the day. हर दिन एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह होता है। सुबह सुबह मैं साइकिलिंग करने निकलता हूँ, काफ़ी ठंडी हवाएं चल रही होती हैं, मौसम बहुत प्लेजेंट होता है। सबसे बढ़िया चीज़, एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलता है दिन को, एक एनर्जी भरी शुरुआत मिलती है। तो साइकिलिंग यार डन हो चुकी है, यहाँ पे तुम्हें किलोमीटर्स दिख रहे होंगे। कल रात को भी गया था मैं, तो अराउंड 15 किलोमीटर मैंने रात को किया था, और अभी सुबह मैंने 10 किलोमीटर किया। और अब मैंने सोचा कि मैं सुबह ही किया करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले उठ के साइकिलिंग, और साइकिलिंग के बाद जब प्यास लगती है तो भाई कोल्ड ड्रिंक नहीं, नींबू पानी। यार अब मैं 15 से 20 मिनट का वर्कआउट करने वाला हूँ, बेसिक वर्कआउट। मैंने ऐड किया कि मैं साइकिलिंग के बाद 15-20 मिनट वर्कआउट करूँगा, देन नहाने जाऊँगा, उसके बाद हम कोडिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो बहुत इंपॉर्टेंट काम, वर्कआउट करना, जिसको करने के बाद मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ, वो मैंने स्टार्टिंग में ही कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे और इंपॉर्टेंट काम करेंगे, उससे पहले यार नहा के आते हैं, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। और नहा के कैसे आएंगे हम? सुबह के बज गए थे 9, और अब टाइम था कि मैं प्लेसमेंट प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, कोडिंग स्टार्ट करूं। लेकिन यार उससे पहले लगी थी मुझे बहुत तेज़ भूख, और तुमने एक चीज़ तो सुनी है, पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज करने के लिए मैं दिन के सारे टास्क पहले ही सॉर्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि तुम देख रहे हो, मेरे को आज DP कंप्लीट करनी है, काफ़ी दिन से पेंडिंग है। 1 PM एक प्लेसमेंट टॉक है जो मैंडेटरी अटेंड करना, 1 घंटे सोना भी ज़रूरी है, सुबह जल्दी उठा था। 4 to 6 PM डेटा स्ट्रक्चर की लैब है, वो भी सॉल्व करनी है, और स्पॉन्सरशिप। गाइज यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कोडिंग निंजास के बारे में, जो है इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन कंपनी। कोडिंग निंजास में आपको बहुत सारे वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज देखने को मिलते हैं, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कोर्सेज को चूज कर सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स आपको देखने को मिलते हैं, साथ साथ आपको कोडिंग की प्रॉब्लम्स दी जाती है, ताकि जो आप सीख रहे हैं वो आप अप्लाई कर पाएं। ऑनलाइन ID दी जाती है, जहाँ पे आप डायरेक्टली अपने कोड्स को सबमिट कर सकते हैं। तो प्लेटफॉर्म में सारी चीज़ें दी गई हैं। लेट सपोज आपसे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आप हिंट्स पे क्लिक कर सकते हैं, और आपको वीडियो हिंट्स देखने को मिलते हैं, जहाँ से आपको एक आइडिया लग जाएगा प्रॉब्लम के बारे में। स्टिल अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, तो आपको टीचिंग असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो मेरा पर्सनल फेवरेट है। 1 से 2 घंटे के अंदर आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व कर दिए जाएंगे, एक मेंटर बेसिकली आपको दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए यार, सारे कोर्सेज चेकआउट कीजिए, मेरे लिंक से मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा प्लेटफॉर्म पे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे तुमने देखा टास्क लिस्ट में, डीपी मुझे आज कंप्लीट करनी है। काफी दिन से मैं डीपी पढ़ रहा हूँ, कंप्लीट अभी तक नहीं हुई है। नोट्स वगैरह फुल ऑन बनाए जा रहे हैं, कोड वगैरह लिख रहा हूँ। आज मेरा गोल ये है कि डीपी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएं। बाकी क्वेश्चंस तो 100% नहीं हो पाते हैं सारे के सारे, कोई हो जाता है कोई नहीं हो पाता है। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें अपने नोट्स वगैरह दिखाने वाला हूँ कि कैसे बनाता हूँ। खैर इतना कुछ स्पेशल नहीं है, बट चलो देखते हैं। तो जैसे कि तुम सामने 4 नोटबुक्स देख रहे हो, इन नोटबुक्स का मैं यूज़ करता हूँ नोट्स बनाने के लिए। सबसे ऊपर आकाश इंस्टीट्यूट की एक नोटबुक है, ऑब्वियसली नॉट स्पॉन्सर्ड, बहुत पुरानी नोटबुक है ये, मेरी नहीं थी ये, तो खाली पड़ी थी, मैंने सोचा यूज़ कर लेते हैं। इसके अंदर मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के नोट्स बना रहा हूँ, एल्गोरिदम्स लिख रहा हूँ। मैं एल्गोरिदम इस तरीके से लिखता हूँ कि जब मैं वो पढ़ूँ मुझे समझ आ जाए, चाहे मैं बाद में देखूँ, ठीक है। उसके बाद मैं उसका सूडो कोड लिख देता हूँ, देन जो पूरा वर्किंग कोड होता है वो मेरे लैपटॉप में रहता है। तो इस तरीके से कॉपी मेंटेन हो रही है डीपी की अलग से। देन सेकेंड कॉपी पे आ जाते हैं, ये है मेरी इंटरव्यू प्रिपरेशन की कॉपी। इसके अंदर मैं इंटरव्यू के क्वेश्चंस लिख रहा होता हूँ कि कौन कौन से एल्गोरिदम्स इंटरव्यू में पूछे जा रहे हैं डिफरेंट कंपनीज के लिए। सेम प्रोसीजर फॉलो करता हूँ, सूडो कोड एल्गोरिदम लिख के, मेन वर्किंग कोड मैं अपने लैपटॉप में करता हूँ। अभी इतनी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुई है मेरी,
थर्ड कॉपी जैसे कि तुम देख रहे हो, ये है मेरी रफ कॉपी, जिसके अंदर अगर मैं कोई कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ और मुझे फालतू में कुछ ना कुछ सॉल्व करते करते कुछ ना कुछ लिखना है, कोई एल्गोरिदम खुद बनाना है, तो मैं इस कॉपी का यूज़ करता हूँ। एंड जो फोर्थ कॉपी है वो है हमारी यूट्यूब की कॉपी। इसके अंदर सारे आइडियाज़, जितने भी मुझे आइडियाज़ आते हैं, रॉ आइडियाज़ होते हैं कुछ, मैं सीधा इसके अंदर आके लिख देता हूँ, जो भी होता है। फ्यूचर में कौन कौन सी वीडियोज़ बनानी है सब इसके अंदर ही लिखा जाता है, सारी वीडियोज़ की स्क्रिप्ट इसके अंदर होती है। तो इस तरीके से यार मैं बना रहा होता हूँ नोट्स। अभी बज रहे हैं दोपहर के 3:30, मीटिंग स्टार्ट हुई थी 1 बजे। भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम लग गया यार मीटिंग में, और खैर काफ़ी कुछ चीज़ें पता चली। जो इन्फॉर्मेशन प्लेसमेंट सेल को देनी थी वो उन्होंने दे दी है, कंपनीज आने वाली है, तो ये मीटिंग मिस भी नहीं कर सकता था मैं, ठीक है। बाकी फिर Q&A सेशन चल रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया एंड मीटिंग बहुत लंबी खिंच गई। अभी 3:30 हो रहे हैं, 4 बजे मेरी लैब है। मैं सोच रहा हूँ आधा घंटा यार थोड़ा लेट जाता हूँ, उसके बाद लैब कर लूँगा। तो चलो DSA लैब के लिए मैं 40 मिनट्स लेट हो गया था। 2 क्वेश्चंस पूछे गए थे, दोनों को आधा आधा करने के चक्कर में दोनों ही क्वेश्चंस मुझसे सॉल्व नहीं हुए और कोई भी क्वेश्चन मैं सबमिट नहीं कर पाया। खैर कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बाकी जाकिर खान की शायद एक वीडियो आपने देखी हो, जिसमें वो एक बड़ी प्यारी चीज़ बोलते हैं कि क्या हो गया, दिल छोटा क्यों कर रहे हो, क्या हो गया अगर तुम्हारे फेंके हुए पत्थर से आम नहीं टूटा। कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी की जाती हैं। माइंड फ्रेश करने के लिए मैं टेरेस पे आ गया था, और अब जो बचे हुए घंटे हैं उनमें मैं ट्राई करूँगा कि जितना हो सके उतना पढ़ पाऊँ, एंड देन दिन को ख़त्म करेंगे और सो जाएंगे। तो सोने से पहले मैं ट्राई करता हूँ, जो मेरी नई हैबिट बनी है बुक्स पढ़ने की रोज़ सोने से पहले, तो मैं कम से कम आधा घंटा सोने से पहले पढ़ लूँ। मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, जैसे तुम स्क्रीन पे अभी देख रहे होगे कुछ लाइंस आ रही होंगी, तो मैं तुम सबको भी यही बोलूँगा कि लाइंस को पढ़ना और सोचना इनके बारे में। आई होप तुम्हें वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो यार लाइक कर दो, ज़्यादा पसंद आई कॉमेंट कर देना, और बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई हो तो यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, मिलते हैं ऐसी किसी और स्पेशल वीडियो में, टिल देन बाय बाय।